दोस्तों सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखो अर्निंग प्रूफ, आपके सामने सोशल ब्लेड की वेबसाइट ओपन है, यहाँ पर आप देख सकते हो 3.6K डॉलर से 58.3K डॉलर इनकी वन मंथ की इनकम है। एक महीने में ये इतना कमाते हैं अपने यूट्यूब चैनल से। इनके यूट्यूब चैनल पर 39.8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं 9.8K वीडियोस पर। तो दोस्तों अगर आप भी कुछ इसी प्रकार से सिंपल कॉपी पेस्ट करके यूट्यूब से सिंपल तरीके से अपने मोबाइल फोन से अर्निंग करना चाहते हैं तो यार आज की इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और नया आइडिया लेकर आ गया हूँ जहाँ से आप सिंपल कॉपी पेस्ट करके यूट्यूब से बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं। तो यार अगर आपकी वाली वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आगे भी अगर आप इसी प्रकार से कॉपी पेस्ट करके यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको चैनल दिखाता हूं प्रूफ के तौर पर। यहां पर आप देखो आपके सामने एक चैनल ओपन है जिस पर यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आपके सामने ओपन है, इस चैनल पर 39.8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। कितनी वीडियोस पर? 9.8K वीडियोस पर। और दोस्तों इनकी अगर हम बात करें वीडियोस की तो यहां पर आप देखो एक घंटे के अंदर 1.7K व्यूज आता है, ठीक है। 17 आवर्स पहले 15,000 व्यूज आता है, एक दिन पहले 11,000 व्यूज आता है, एक दिन पहले 14,000 व्यूज आता है, दो दिन पहले यहाँ पर 13,000 व्यूज गए हुए हैं। तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपके भी व्यूज आएंगे, इस प्रकार से आपके चैनल पर भी सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं अगर आप इस टाइप की वीडियोस बनाएंगे तो। तो दोस्तों इसी के जैसे हम बात कर लेते हैं सेकंड चैनल की। यहाँ पर आप देखो ये वाले चैनल आपको देखने को मिल रहा होगा, ये सेकंड चैनल, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो इनके चैनल पर कितने सब्सक्राइबर्स हैं, 4.02K सब्सक्राइबर्स हैं। ये भाई अभी नया चैनल है, ठीक है। एंड इनके चैनल पर कितनी वीडियोस अपलोड है, मात्र 69 वीडियोस अपलोड है इनके यूट्यूब चैनल पर। अब यहाँ पर आपको मैं व्यूज दिखाता हूँ, व्यूज देख के आप बोलोगे वाह यार क्या व्यूज आ रहा है इन वीडियोस पर। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैं वीडियोस पर चले जाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो एक दिन के अंदर 36,000 व्यूज आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो 4 दिन के अंदर 16,000 व्यूज, 7 दिन के अंदर 88K व्यूज यानी कि 88,000 व्यूज, 10 दिन के अंदर 1,00,000 व्यूज, 12 दिन के अंदर 91,000 व्यूज। तो यार यहाँ पर आप देख रहे हो कितना ज्यादा व्यूज आ रहा है। दोस्तों इस टाइप में आप भी व्यूज ला सकते हो, बिल्कुल नया चैनल था जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो दोस्तों अगर आप भी कुछ इसी टाइप की वीडियोस बनाओगे तो डेफिनेटली आपकी वीडियोस भी वायरल होंगी, क्योंकि इस टाइम पर इस कैटेगरी पर कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है। अगर आप यहाँ पर वीडियोस बनाओगे तो डेफिनेटली आपकी वीडियोस वायरल होगी। ये बिल्कुल नया आइडिया है, अभी तक इस टॉपिक पर किसी ने भी वीडियो नहीं बनाई है, ठीक है। दोस्तों लगे हाथ हम तीसरा प्रूफ भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखो तीसरा यूट्यूब चैनल आपके सामने ओपन है जिसका नाम है किंग गेम्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो मैं इनके चैनल के आपको सब्सक्राइबर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखो मैं नीचे आ गया। अब यहाँ पर आप देखो सब्सक्राइबर 32.9 लाख सब्सक्राइबर्स हैं इनके यूट्यूब चैनल पर। कितनी वीडियोस पर? 3.7K वीडियोस पर, 32 यानी कि 32 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो इनकी मैं वीडियोस दिखाता हूँ आपको। इनकी वीडियोस देखो यहाँ पर आप, इनकी वीडियोस पर 4 घंटे के अंदर 1,000 व्यूज, 4 घंटे के अंदर 1.2K व्यूज, 20 घंटे के अंदर 3.9K व्यूज, एक दिन के अंदर 5.1K व्यूज, एक दिन के अंदर 17,000 व्यूज। तो यार आप देख रहे हो कितने कम टाइम के अंदर कितने ज्यादा व्यूज आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस जो है ना वो किड्स यानी कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा देखना पसंद करते हैं। बच्चे क्या, जहां तक थोड़े बड़े भी लोग होते हैं ना वो भी इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और दोस्तों इस टाइप की वीडियोस आप मात्र 5 मिनट के अंदर बना के रेडी कर सकते हो। अभी आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि यार मैं कैसे बनाऊंगा, बहुत सिंपल तरीका है, आप मजे ले लेके इन वीडियोस को बना सकते हो और आपकी वीडियोस यहाँ पर बेधड़क वायरल होंगी जैसे कि इन लोगों की हो रही है। और दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको जो भी डिटेल बताई है यार थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है व्यूज के मामले में, सब्सक्राइबर्स के मामले में, तो यार उसको आप देख लेना, ठीक है। यार चलिए मैं अब यहाँ पर आपको इनकी अर्निंग दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखो पहला यूट्यूब चैनल है जो, इसके चैनल की मैं यहाँ पर आपको अर्निंग दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखो सोशल ब्लेड की वेबसाइट ओपन है, यहाँ पर आप अर्निंग देख सकते हो कितनी अर्निंग है इनके चैनल की, जो मैंने फर्स्ट चैनल दिखाया था आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप सेकंड यूट्यूब चैनल जो कि मैंने आपको दिखाया था, इनके चैनल की भी आप अर्निंग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप अर्निंग देख रहे हो कितनी ज्यादा है। तो यार अगर आप भी कुछ इसी प्रकार से काम करोगे ना तो आपकी भी अर्निंग ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस पर कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है एंड जो एड्स हैं वो भर भर के आती हैं, जिससे कि यहाँ से जो रेवेन्यू है वो काफी ज्यादा अच्छा जनरेट होता है एंड आपको बहुत ज्यादा अच्छी अर्निंग होती है। तो दोस्तों चलिए आप सीख लेते हैं कि आप इस टाइप की वीडियोस कैसे बना सकते हैं, कैसे सिंपल वीडियोस बनाएंगे कॉपी पेस्ट करके, जिससे कि आपकी वीडियोस भी
इसी प्रकार से वायरल हो सके। दोस्तों इस टाइप की वीडियोस बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको तरीके बता देता हूँ। पहला जो तरीका है वो ये है कि आप इन चैनलों पर जाएंगे, जाने के बाद आपको इनके टाइटल पर, अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैं सेम टू सेम इसी की जैसी वीडियो बना लूं एंड ये वाला गेम आपको मिल नहीं रहा है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो पूरा काम है ना वो गेम का ही है, ठीक है, क्लियर बता रहा हूँ मैं, पूरा काम आपको गेम का है, आपको इतना सा भी दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो करना क्या है आपको, इनके टाइटल पर आपको गेम का नाम दिख जाएगा, उस नाम को आप यहाँ पर प्ले स्टोर पर सर्च करोगे जब तो आपको वो गेम मिल जाएगा, आप सिंपल उसको डाउनलोड करना एंड आपको क्या करना है, बस उस गेम प्ले को प्ले करना है एंड उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना लेनी है, ठीक है। अगर आपको हटके गेम बनाना है, मतलब जो इन लोगों ने गेम बनाया हुआ है आपको उससे रिलेटेड गेम नहीं बनाना, आपको हटके गेम बनाना है, कोई नया गेम बनाना है, ठीक है, कोई नए गेम प्ले को रिकॉर्ड करना है, उसकी वीडियो बनानी है आपको, तब आपको क्या करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर पर एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्च करना है क्या, या तो यहाँ पर आप ट्रक सर्च कर सकते हो, बाइक सर्च कर सकते हो, बस सर्च कर सकते हो, ठीक है। तीन से चार चीजें आपको यहाँ पर सर्च करनी है एंड उसके आगे आप लिख देना ड्राइविंग, ठीक है। जो भी आप सर्च करो ना, जैसे बाइक सर्च करो तो लिख देना बाइक ड्राइविंग, कार सर्च करो तो कार ड्राइविंग एंड यहाँ पर अगर आप बस सर्च करो तो बस ड्राइविंग, इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपके सामने क्या होंगे, जो बाइक ड्राइविंग से रिलेटेड गेम होंगे, जो बस ड्राइविंग से रिलेटेड गेम होंगे, वो आपके सामने आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जो भी आपको पसंद आता है उस गेम को उठाओ। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर गेम प्ले को डाउनलोड कर लेते हैं अपने मोबाइल फोन पे, अब आपको क्या करना है, सिंपल उस गेम प्ले को ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो गेम प्ले डाउनलोड किया, मैंने उसको सिंपल ओपन कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस गेम प्ले को रिकॉर्ड करना है। देखो यार, रिकॉर्ड आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तो अपने जो आपके मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डर आता है डिफॉल्ट वाला, आप उसका यूज कर सकते हो। दूसरा, आप प्रोफेशनल वाले स्क्रीन रिकॉर्डर्स का यूज कर सकते हो। देखो यार, अगर आपको नहीं पता है कि प्रोफेशनल वाले स्क्रीन रिकॉर्डर्स कौन से हैं, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप चले जाना, वहां पर आपको मैं स्क्रीन रिकॉर्डर बता दिया हूं, तो वहां पर आप जाके सिंपल डाउनलोड कर लेना, जो भी स्क्रीन रिकॉर्डर आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको सिंपल उस स्क्रीन रिकॉर्डर से आपको क्या करना है, अपने जो गेम प्ले है, मतलब जो भी गेम आपने डाउनलोड किया है, उस गेम को आपको सिंपल कंप्लीटली आपको क्या कर लेना है, रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। अब जितना भी आपका गेम प्ले है आपको क्लियर, आपको सिंपल उसको रिकॉर्ड कर लेना है हाई क्वालिटी में, ठीक है। अब जैसे ही आप अपने गेम प्ले को रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल आना अपने काइन मास्टर पर, ठीक है, या फिर आपके पास जो भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर है आप उस पर आ जाइए, चाहे वो पावर डायरेक्टर हो या फिर बीएन एडिटर हो या फिर कोई सा भी हो, ठीक है, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब चीज में सेम ही करना है, बहुत सिंपल सा काम है, 5 मिनट के अंदर आप वीडियो को बना के रेडी कर सकते हो एंड अपलोड भी कर लोगे। देखो आपको करना क्या है, देखो यार मैं यहां पर काइन मास्टर पे आ जाता हूं। अब आपको करना क्या है, यहां पर आपको क्या करना है, जो भी आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करी है, ठीक है, मतलब जो भी आपने गेम प्ले किया उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाए हो ना, उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को आपको क्या करना है, यहां पर इंपोर्ट करना है, ठीक है, मतलब मीडिया से डायरेक्ट उठा लेना है, ओके, बैकग्राउंड वगैरह नहीं लगाना इसमें। अब यार इसके बाद यहां पर आपको बैकग्राउंड सॉन्ग लगाना है, तो आप बैकग्राउंड सॉन्ग लगा सकते हो, आपको YouTube लाइब्रेरी पे बहुत सारे बैकग्राउंड सॉन्ग मिल जाएंगे, आप वहां से सिंपल उठा के बैकग्राउंड सॉन्ग को इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर जो आपकी वीडियो है उसका साइज आपको 6 मिनट से 8 मिनट तक की रखना है, ठीक है, ज्यादा बड़ी आप वीडियो बना लोगे या फिर ज्यादा छोटी वीडियो बना लोगे तो वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी, तो 6 से 8 मिनट के बीच में आपको अपनी वीडियो को रेडी करना है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो मैंने काइन मास्टर पर सिंपली रेडी कर ली, ठीक है। अगर आपकी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती तो आपको उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देना, मतलब स्पीड उसकी थोड़ी सी बढ़ा देनी है, ओके, एंड यहां पर आपकी स्क्रीन में फिट हो जाए इस प्रकार से आपको यहां पर जूम कर लेना है, सिंपल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको इस वीडियो को सिंपल एक्सपोर्ट कर देना है। जैसे आप एक्सपोर्ट कर लेंगे तो आपके यहां पर आप देख सकते हो इस क्वालिटी में आपको सिंपल आपको देखने को मिल रही होगी, इस क्वालिटी में आपको सिंपल एक्सपोर्ट कर लेनी है, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल इसे अपलोड कर देना है। बस कितना मिनट लगा मेरे को बनाने में, 5 मिनट, भाई 5 मिनट से भी कम टाइम लगा होगा मेरे को इतनी सी वीडियो बनाने में। एंड अगर आपका ये डेली का काम हो जाएगा, अगर आपकी वीडियो चलने लग जाती है इस आईडी से, तो डेफिनेटली आप 2 मिनट के अंदर भी इन वीडियोस को रेडी कर सकते हो एंड रेडी करके अपलोड कर सकते हो, क्योंकि यार यहाँ पर बहुत ज्यादा काम नहीं करना है आपको, सिंपल एक गेम प्ले चूज करना कोई भी अच्छा सा डेली के डेली एंड उसको रिकॉर्ड करना है, उस पर बैकग्राउंड सॉन्ग लगाना है, सिंपल यहाँ पर अपलोड कर देना है, बस और क्या ही करना है यार, बस इतना सिंपल सा काम करना है आपको। एंड यहाँ पर आप इतना सिंपल सा काम करके इसी टाइप की अर्निंग कर सकते हो जैसे कि अभी आपको यहाँ पर सामने देखने को मिल रही होगी। यार यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा इजी तरीका था। अब बात करी जाए टाइटल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन की, मतलब एसईओ करने की, तो मैं आपको बता दूं कि आप एसईओ में उस गेम प्ले का नाम लिख सकते हो एंड यहाँ पर आप थोड़ा सा अपने हिसाब से लिख सकते हो, अपने चैनल का नाम वगैरह लिख सकते हो, ठीक है, बस और आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको इसी प्रकार से रिकॉर्डिंग करनी है एंड एडिटिंग करनी है एंड अपलोडिंग कर देनी है, ठीक है, टाइटल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन लगा के। एंड यार इस कैटेगरी में बिल्कुल भी कॉम्पिटिशन नहीं है, यहाँ पर आपको ना ही तो फेस दिखाना है ना ही वॉइस दिखानी है, ठीक है, सिंपल आपको इस प्रकार से वीडियो बनानी है, बस आपका काम हो जाएगा, ओके। यार
आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वाला आइडिया मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी चीज नहीं समझ में आई है तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे भी अगर आप इसी प्रकार से सिंपल कॉपी पेस्ट करके यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि यार यहाँ पर मैं इसी प्रकार से आइडियाज लाता रहता हूँ जिससे आप कॉपी पेस्ट करके सिंपल तरीके से यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।